हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो योर ऑनलाइन क्लासेस इज गोइंग टू स्टार्ट टुडे। स्टूडेंट्स, जो भी टॉपिक रिलेटेड वीडियो लिंक तुहानू सेंड किया जाएगा, उस लिंक नू तुसी ओपन करके वीडियो नू केयरफुली वॉच करना एंड try to understand the concept। हर एक स्टूडेंट्स की ये कोशिश होनी चाहिए है कि जो टॉपिक रिलेटेड तुहानू वीडियो लिंक सेंड किया जाएगा, उस वीडियो नू तुसी बहुत ही केयरफुली वॉच करना। जो टॉपिक रिलेटेड कंसैप्ट होगा उसनू तुसी समझण दी कोशिश करना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 20 चैप्टर नेम्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, अज असी इंपेरेटिव सेंटेंस बारे डिस्कस करांगे। नाउ वी स्टार्ट imperative sentence। The sentence which are used to express advice, request, permission, order, etc. are called imperative sentence। Students, जिन्ना वाक्यां दा प्रयोग सलाह, बेनती, आदेश जां अनुमति आदि नूं व्यक्त करन लई हुंदा है, उन्हां नूं आज्ञावाचक आज्ञा सूचक वाक कहिंदे हन। मीनस कि जिन्हां वाकां दे विच कोई अडवाइस, बेनती, आज्ञा जां हुक्म दित्ता जावे, उन्हां वाकां नूं इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जांदा। इस सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। मीन्स कि इस सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल ये सेंटेंस स्टार्ट होंदे ने। मीन्स कि इन सेंटेंसेस दे विच वर्ब की फस्ट फॉर्म यूज की जाती है, उस तो बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाता, दैन वी यूज फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ सेंटेंस। ये कुछ एग्जाम्पल्स दित्तियां गई ने जो इंपेरेटिव सेंटेंस दे रिलेटेड ने। फर्स्ट सेंटेंस है वेट अ मिंट, एक मिंट रुको। इस सेंटेंस दे विच जिस तरह असी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो रूल पहला असी रीड कर चुके हाँ वो बिल्कुल अप्लाई हो रहा। देखो, सेंटेंस दे स्टार्टिंग दे विच वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, उस तो बाद ऑब्जेक्ट दैन फुल स्टॉप। वेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मेंट ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, वेट अ मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े होर, सीधे खड़े रहो। लीव इट टू मी, ये मेरे उत्ते छड़ दियो। अगे नेक्स्ट सेंटेंस लीव मी अलोन, मैनू अकला छड़ दियो। नेक्स्ट हैंग दिस कोट ऑन दैट पिग, ये कोट उस खूंटी ते टंग दियो। नेक्स्ट सेंटेंस है बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स,
जेब कतरियां तो सावधान रहो। कीप अ सीट फॉर मी, मेरे लिए जगह रखो। थ्रो अवे दिस रबिश, ये कचरा सुट दो। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड वाल देखो। ब्लो आउट द कैंडल, मोमबत्ती बुझा दो। सो ये सी इंपेरेटिव सेंटेंस दे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स अगे असी गल करांगे नैगेटिव सेंटेंस, जो इंपेरेटिव सेंटेंस दा नैगेटिव सेंटेंस दा रूल है वो है डोंट और डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर। जो नैगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक दा जो रूल है वो है डोंट और डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर। इहदे नाल रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स असी रीड करांगे, इन्हां एग्जाम्पल्स तो तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगा। जिस तरह फर्स्ट सेंटेंस डोंट हरी, जल्दी ना करो। देखो कि इस फर्स्ट सेंटेंस दे विच जो नैगेटिव सेंटेंस रिलेटेड रूल है बिल्कुल अप्लाई हो रहा। देखो फर्स्ट डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कुछ सेंटेंस इस तरह के भी हो सकते हैं कि जिन्हां दे विच ऑब्जेक्ट यूज किया भी हो सकता और नहीं भी। जिमें फर्स्ट सेंटेंस दे विच सिर्फ डोंट, उस तो बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया गया डोंट हरी, जल्दी ना करो। सैकेंड सेंटेंस दे विच ऑब्जेक्ट यूज किया गया डोंट ब्लेम मी, मैनू दोष ना देवो। देखो जो रूल है डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर। अगे नैक्सट सेंटेंस है डोंट लीव द विंडो ओपन, खिड़की खुली ना छड़ो। अगे डोंट टच दोज वायर्स, उन्हां तारां नूं हथ ना लगाओ। डोंट फीयर, डरो ना। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, निराश ना होवो। डोंट गेट एंग्री, गुस्सा ना करो। डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता ना करो। डोंट चेंज द सब्जेक्ट नाउ, हुण विशा ना बदलो। डोंट टैल मी लाइज, मैनू झूठियां गल्लां ना दसो। स्टूडेंट्स ये कुछ रूल्स सी जो इंपेरेटिव सेंटेंस दे रिलेटेड आपां डिस्कस कीते। मैनू उम्मीद है कि जो अज दे टॉपिक दे विच तुहानू समझाया गया उस बारे तुहानू समझ लग गई होवेगी। स्टूडेंट्स इस वीडियो नू केयरफुली वॉच करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसैप्ट। ओके स्टूडेंट्स।